मतलब इनका जो रेड कलर है ना भाई, छपरी टाइप का रेड कलर नहीं है। चाहे आप एक्सटीरियर में देख लो, इंटीरियर में भी आप डैशबोर्ड ये सारे चीज़ देखोगे, मतलब एक जो होता है डीप रेड, वैसा भाई छपरीपना वाला चीज़ निशान वालों ने नहीं किया है। यूं ही नहीं, जापानी ब्रांड है यार ये, आपको फॉरेन टाइप की फील आ जाती है, जैसे कि विदेश की गाड़ियों में देखने को मिलती है। हेलो भाई, मैं हूं आसिफ सुभानी और सामने आपके जो गाड़ी खड़ी है निसान ब्रांड की भाई, ब्लैक कलर की चमचमाती हुई, ये निसान मैग्नाइट की XV वेरिएंट है। अब इसी में आप थोड़े बहुत रेड कलर आपको देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप इंटीरियर में चलेंगे तो या फिर एक्सटीरियर में। तो XV वेरिएंट में ही रेड एडिशन वाला वेरिएंट आता है। बीच में एक टाइम आ रहा था बट डिसकंटिन्यूड कर दिया गया था, फिर से कंपनी वालों ने भाई वापस से रेड एडिशन लेते आया है। अब इसके लिए ना आपको 20,000 से 25,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं नॉर्मल XV वेरिएंट के मुकाबले। अब 25,000 रुपये में आपको थोड़ा बहुत जो है कलर का फ़र्क तो मिल ही जाएगा, और साथ में आपको इंटीरियर में कुछ कुछ फीचर्स है वो नॉर्मल XV के मुकाबले एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो ये लेने जाते हो तो इसके लिए आपको देने पड़ जाते हैं 8,06,000 रुपये, और ऑन रोड आपको 9,40,000 रुपये करीब पटना बिहार नूतन निशान में पड़ने वाली है। अब भाई 8 लाख रुपए बजट के हिसाब से ना फीचर्स आपको काफ़ी सही मिल जाते हैं इस गाड़ी में। बिल्ड क्वालिटी भी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, और अगर बात करें इसके कंपटीशन में कौन कौन गाड़ी आती है तो वो आती है टाटा की पंच, इसी की सेम फीचर्स इन सब के साथ आने वाली रेनो की काइगर, और अभी हाल ही में नई लॉन्च हुई मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। मतलब ये जो भी गाड़ी है एक दूसरे के भाई टक्कर लायक गाड़ी है। तो आज आप फीचर्स दिखाते हैं। सबसे पहले फ्रंट साइड में यहाँ पर आपको निसान का लोगो मिल जाता है फ्रंट साइड में। भाई इसके टॉप वेरिएंट XV प्रीमियम पर जाओगे ना तो या 360 कैमरा, उसमें और एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। रेड एडिशन है इस वजह से यहाँ पर आपको रेड कलर का थोड़ा सा जो है इंसर्ट्स देखने को मिल जाएगा। नीचे साइड में भी आपको रेड कलर का स्ट्रिप देखने को मिलेगा। अब साइड में आते हो तो यहाँ पर ये जो DRL है अभी हो गई है ऑफ, इसे वापस से ऑन किया जाए, क्योंकि गाड़ी की जो DRL है ना वो अपने में एक अलग टाइप का फील देती है जब आप इसे रोड पर दूर से आते हुए देखते हो तो। बैटरी भी गाड़ी का जो है वो हो गया है डाउन। अब आ जाओ फ्रंट में तो ये है अपना भाई DRL वाला एरिया, इसी के अंदर आपको वाइट कलर की लंबी सी साइज की DRL मिल जाएगी। टॉप वेरिएंट लोगे ना इसी में तो उसमें आपको ये जो है फॉग लैंप LED वाले मिल जाएंगे, और साथ में प्रोजेक्टर वाले LED हेडलैम्प उसमें मिलते हैं, उसकी भी लाइट बहुत अच्छी है। यहाँ आपको नॉर्मल हैलोजन मिल जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड, इंडिकेटर भी आपको नॉर्मल हैलोजन मिलते हैं रिफ्लेक्टर वाले ही। मतलब हेडलैम्प अगर आपको चाहिए टॉप वेरिएंट वाला यानी प्रोजेक्टर, तो या तो आप इसमें आफ्टर मार्केट लगवा लो या ऊपर वाले वेरिएंट पर चले जाओ, फीचर्स भी अच्छे खासे ले लोगे, बट रेड एडिशन आपको सिर्फ इसी वाले वेरिएंट में मिलेगा। अब आ जाओ साइड में, यहाँ पर भी आपको रेड कलर मिल जाता है। भाई गाड़ी यार दिखने में बहुत अच्छी लगती है। नीचे साइड इस जगह आपको डिस्क ब्रेक कैलिपर मिल जाते हैं, ये चीज़ रेड कलर के मिलेंगे, और टायर साइज अपने को मिलता है 195x60 R16 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील है। यहाँ पर निशान मैग्नाइट लिखा हुआ आ जाता है, ORVM और साथ में इंडिकेटर मिलता है। भाई रेड एडिशन भी लिखा हुआ आपको इसमें मिल जाता है, वो कहाँ मिलेगा तो वो भाई अपने को यहाँ मिलेगा। देखो निशान मैग्नाइट रेड, यानी रेड भी भाई रेड कलर का मिलता है लिखा हुआ। नीचे साइड में विंडो के आपको यहाँ पर रेड कलर और थोड़ी वाइट या सिल्वर कलर कह ले उस तरीके की दो पट्टी मिल जाती है। मतलब जो आफ्टर मार्केट लोग जाते हैं ना कुछ कुछ काम वाम करवाने अपने गाड़ी में, थोड़ी जो स्पोर्टी टाइप की दिखे गाड़ी, फील आए, दिखने में अच्छी लगे, वो सारे चीज़ के लिए आपको भाई कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, कंपनी वाले ही ये सारे चीज़ करके देंगे। नीचे साइड में यहाँ पर भी आपको वाइट कलर का मिल जाता है, और साथ में रेड कलर सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी मिलता है। तो देख रहे हो गाड़ी की साइज भी सही यार, सेफ्टी रेटिंग के मामले में यार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी ने लाया है। ग्राउंड क्लियरेंस सेगमेंट के हिसाब से कह सकते हैं 205 mm का मिलता है, मतलब सबसे ज़्यादा वैसे सेगमेंट में है इस सेगमेंट में, और जो भी गाड़ी है काइगर भी सेम 205 mm ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। डोर हैंडल्स क्रोम कलर के मिल जाएंगे। को पैसेंजर साइड भी भाई रिक्वेस्ट सेंसर ये लोग दे दे रहे हैं, देख रहे कितने अच्छे हैं ये ब्रांड वाले भाई, यही वजह है ये गाड़ी सेल्स होती है। ऊपर साइड में आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं,
ये कंपनी फिटेड है, देख लो पूरा हिला लो, 50 kg लोड कैपेसिटी के साथ है, शार्क फिन एंटीना है, रूफ रेल्स हैं, हाई माउंट स्टॉप लैंप है और रियर वाइपर डिफॉगर, रियर कैमरा, 4 पार्किंग सेंसर्स, मतलब सारे चीज़ मिल जाते हैं यार। इसमें ऐसा नहीं है कि टाटा की तरह आपको 2 मिलेंगे, टोटल 4 पार्किंग सेंसर्स देते हैं, सेम मारुति सुजुकी ब्रांड वालों की तरह। मैग्नाइट लिखा हुआ यहाँ पर मिल गया, रेनो का लोगो हो गया, और इसे ओपन करना है तो भाई ये अपना ओपन होगा इस जगह से, ये देख लो बूट स्पेस 60-40 में, फोल्ड अनफोल्ड सीट का जो सिस्टम है वो है, पार्सल ट्रे भी मिल जाता है और बूट स्पेस भी यार कम नहीं मिलता है। वैसे हाँ, रेनो काइगर जो है वो 405 लीटर का सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस है, लेकिन इसमें आपको 336 लीटर का मिलता है बूट स्पेस। अंदर साइड में बूट लैंप भी मिल जाते हैं और साथ में एक हुक इस साइड मिलते हैं, दूसरे हुक आपको इस साइड मिल जाते हैं। स्पेयर टायर अपना इसके नीचे साइड में, नॉर्मल स्टील रिम मिलता है, साथ में 185x65 R15 साइज जो है वो आपको छोटा मिलेगा। बाकी टेल लैंप का सारा सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। पीछे साइड से यार लगती है यार, पहले जो आपको हुंडे वालों के क्रेटा आती थी ना 1.6 डीजल वाली, भाई उसी तरीके की मुझे तो पीछे साइड से इसकी लुक लगती है। टैंक कैपेसिटी आपको 40 लीटर का मिलेगा, ये जो अपना टैंक है यहाँ वो मैनुअल उस जगह से ओपन होता है, तो 40 लीटर का टैंक कैपेसिटी मिलता है। बाहर साइड से एक बार और देख लो भाई गाड़ी को, यहाँ पर आपको पेडल लैंप जैसी भाई कोई चीज़ नहीं मिलेगी इस सेगमेंट में। अब आ जाओ चाबी आपको इसकी दिखाते हैं, चाबी कैसी मिलती है भाई निशान ब्रांड वालों ने यार। चाबी में भी देख लो रिबन लगा के लग रहा है जैसे भाई डिलीवरी ले रहा हूँ, वैसा कुछ फील सा दे देते हैं। इस चाबी में आपको टोटल 2 बटन्स मिल जाएंगे, गाड़ी आपको लॉक करना है गाड़ी लॉक करो, गाड़ी आपको अनलॉक करना है अनलॉक करो, ORVM आपके फोल्ड अनफोल्ड नहीं होंगे। एक चीज़ तो भाई दिखाना रह गया, यहाँ पर भी आपको निशान लिखा हुआ मिल जाता है और ये थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न जो है ग्राफिक्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाएंगे इसके पीछे साइड में। अब अंदर आते हो तो चाबी आप यहाँ रख दो, यहाँ पर आपको मिल जाता है विंडो सीट रिलेटेड कंट्रोल, ये चीज़ आपको फैब्रिक वाले मिलते हैं, इसके बेस वेरियंट्स मिल जाएंगे, स्टिचिंग मिल जाएंगे, विंडो के कंट्रोल होगा ना, ड्राइवर साइड वाला जो है वो आपका वन टच अप जाएगा वन टच डाउन जाता है, ये आप देखना बैटरी भी गाड़ी की डाउन है ना शायद, खैर वन टच अप वन टच डाउन जाता है। बाकी सारे नॉर्मल कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ORVM आपके फोल्ड अनफोल्ड यहाँ से हो जाएंगे, बट भाई चाबी से ये चीज़ नहीं हो रहा है। एडजस्ट करना है वो चीज़ भी आप इलेक्ट्रिक थ्रू ही कर लोगे। नीचे साइड में आपको स्पीकर मिल जाते हैं, बोतल होल्डर हो गए, और यहाँ पर भी रेड कलर का आपको देखने को मिलता है, मतलब इनका जो रेड कलर है ना भाई छपरी टाइप का रेड कलर नहीं है, चाहे आप एक्सटीरियर में देख लो, इंटीरियर में भी आप डैशबोर्ड ये सारे चीज़ देखोगे, मतलब एक जो होता है डीप रेड वैसा भाई छपरी पना वाला चीज़ निशान वालों ने नहीं किया है, यूं ही नहीं जापानी ब्रांड है यार ये, आपको फॉरेन टाइप की फील आ जाती है जैसे कि विदेश की गाड़ियों में देखने को मिलती है। ये आप देख रहे हो ये निशान का इसका प्लेट कह ले वो चीज़ लगा हुआ है, ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलता है आप 25,000 रुपये देते हो, यानी रेड एडिशन में फ्यूलिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर सिस्टम मिल जाता है, और हाइट एडजस्टमेंट ड्राइवर वाला सीट करने के लिए इस जगह मिलता है। अब आ जाओ इंटीरियर में, यहाँ से दिखाते हैं तो ये भाई इस जगह आपको हेडलाइट लेवलिंग कंट्रोल हो गया, साथ में ये मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल इन सब से रिलेटेड। बैटरी भाई गाड़ी की जो है ना वो हो रही है डाउन, स्टार्ट इंजन करने को बार बार कह रही, पता नहीं फ्यूल व्यूल है या नहीं। स्टेयरिंग व्हील आपको नॉर्मल मिलता है, ऐसा नहीं कि लेदर रैप्ड मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाते हैं इस MID से रिलेटेड कंट्रोल, इस साइड आपको मिलते हैं इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड, जैसे ये वापस से ऑन करो और MID आपको फुल्ली कलर्ड आता है, गाड़ी वाड़ी भाई घूर घर के गोल गोल घूमता हुआ चला जाता है, तो इसे आपको चेंज करना है, ये अपना यहाँ से चेंज होगा, ट्रिप ए ट्रिप बी देखना है वो सारा चीज़ देख लो, इसे भी आपको चेंज करना है। देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया, इको मतलब इनका मीटर भाई बड़ा बड़ा सा आता है, गेम जैसे वीडियो गेम टाइप का आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। ये हो गया अपना इस इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल, इस साइड आपको मिल जाते हैं वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल, इस साइड हेडलैम्प से रिलेटेड। टोटल इस गाड़ी में चारों डोर्स के ऊपर 4 स्पीकर्स मिल जाएंगे और ट्विटर आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये देख लो, और दूसरा आपको उस कॉर्नर पे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ मिलता है यार, इसके अंदर देखो आपको जो है
इंजन हीट से रिलेटेड वार्निंग इस साइड मिल जाती है, फ्यूल लेवल इंडिकेटर आपको इस साइड मिल जाते हैं, बीच में एक डिस्प्ले है, ये है अपना आरपीएम मीटर 7000 आरपीएम तक, ये है अपना माइलेज यानी क्या माइलेज वाइलेज दे रहा वो चीज़ बताएगा, ठीक ना। बीच में डिस्प्ले में अच्छे खासे आपको वैसे इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, ये चीज़ अपना चेंज यहाँ से होगा, क्या माइलेज दे रहा है, कितने देर से गाड़ी आपकी खड़ी है, तो ये चीज़ मिलता है। तो सही है भाई, इसका जो लेआउट है ये चीज़ भी, ओ भाई साहब टीपीएमएस भी, जैसा कि आप जान रहे हो रेनो की काइगर हो निशान की मैगनाइट हो भाई, ऐड कर दी गई है, वो सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं, ABS EBD ये सारी चीज़ भाई इसके बेस वेरियंट से कंपनी वाले आपको दे रहे हैं। यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक का कंट्रोल मिल जाता है, ये हो गया अपना हजार लाइट का बटन, ये हो गया अपना डिफॉगर से रिलेटेड। अब नीचे साइड में ऑटोमेटिक एसी का कंट्रोल मिल जाता है इस जगह, बीच में डिस्प्ले भी मिल जाएगा, और यहाँ जो आप देख रहे हो ये है वायरलेस चार्जिंग पैड। ये जो सिस्टम है या फिर फीचर कह ले, ये भाई आपको रेड एडिशन वाले में मिलेगा। इंजन स्टार्ट स्टॉप का कंट्रोल हो गया, नीचे साइड में एक 12 वोल्ट 120 वाट का चार्जिंग सॉकेट, दूसरा आपको USB वाला चार्जिंग सॉकेट मिलता है, और मोबाइल रखने के लिए स्पेस यहाँ पे मिलता है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर लीवर हो गया, मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 बोतल होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं, और डैशबोर्ड पर जो रेड कलर है वो चीज़ भी आप देख लो, लग रहा है ना भाई थोड़ा रिच टाइप का फील जो है वो इस गाड़ी के रेड एडिशन में आ जाता है। ये आपको है हार्ड प्लास्टिक, बट डिज़ाइन विज़ाइन आप गौर से देखोगे तो लेदर टाइप का ये चीज़ लगने वाला है। और इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो भाई इसके AC वेंट्स लगते हैं। AC वेंट्स देख कर यार लगता है लंबरगनी जैगुआर वगुआर में भाई जैसे कि बैठा हुआ फरारी के कार में, उस टाइप की आपको इसमें डिज़ाइन मिल जाती है। रियर कैमरा में आपको गाइडलाइंस भी मिल जाएंगे, ग्लो बॉक्स जो है वो अपना यहाँ पर मिल जाता है, एयर बैग शायद इसमें 2 ही आपको मिलते हैं क्योंकि फ्रंट में तो वैसे मिलते ही हैं, साइड में सीट वीट पर कहीं पर लिखा हुआ तो दिख नहीं रहा है भाई कि एयर बैग है, ना ही इस जगह कर्टन पर मिल रहा है, तो आपको 2 एयरबैग्स मिलते हैं। मैनुअल वाला IRVM हो गया, इस जगह आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, और आप यहाँ पर आते हो तो भाई वैनिटी मिरर भी नहीं मिलता है। रीडिंग लैंप आपको इस साइड मिलते हैं, नॉर्मल हैलोजन वाले हैं, सनग्लास होल्डर आपको नहीं मिलने वाला है, और माइक के लिए इस जगह मिल जाता है, नॉइज कैंसिलेशन के लिए आपको इस जगह मिल जाता है। अब चलो पीछे साइड पीछे चलते हैं, पीछे क्या क्या चीज़ मिलता है यार, ये सारा चीज़ तो फ्रंट का सारा बात हो गया। इसी में आप अगर सीट कवर लगवा लेते हो रेड कलर का, कंपनी वाले ही लगा करके मतलब दे देंगे, आप एसेसरी के तौर पे लोगे तो और प्योर रेड 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 कलर का, मतलब रेड है नहीं यार दूसरे तरह का रेड है, कहा ना कि मतलब थोड़ा लग्जरी टाइप का रेड है, वो चीज़ है। पीछे साइड में भी आपको फैब्रिक मिल जाते हैं, यहाँ पर भी वही रेड कलर मिल जाएगा देखने को। विंडो से रिलेटेड कंट्रोल है, डोर लॉक अनलॉक करना है, लीवर है, और साथ में स्पीकर है, निशान लिखा हुआ यहाँ पर लाइट वाइट के साथ आता है। एक चीज़ तो रह गया यार, एम्बियन लाइट भी इसमें आपको मिलेगा इस रेड एडिशन में, वो अपना ये नीचे साइड देखो ड्राइवर साइड, और साथ में को पैसेंजर के पैर के पास मिल जाता है, ये सारा चीज़ मिल जाता है। सही है, 25,000 रुपये में आपको थोड़ा अलग फील मिल जाता है बाहर साइड से भी, और इंटीरियर में भी जाते हो तो इंटीरियर में भी कुछ कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिल के भाई सही डील हो जाता है ये वाला। अंदर साइड में स्पेस लेकर कोई कंप्लेन नहीं है, स्पेस अच्छा मिलता है, कंप्लेन एक जो मुझे लगता है भाई इसमें AC वेंट्स नहीं है यार पीछे साइड, देना चाहिए था, AC वेंट्स आपको नहीं मिलते, ना ही मोबाइल के लिए चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं, ये चीज़ थोड़ा रह जाता है अधूरा। वैसे हेडरेस्ट आपको 2 मिल जाएंगे, दोनों एडजस्टेबल है, बीच में एक आर्मरेस्ट मिल जाएगा, आर्मरेस्ट के अंदर कप होल्डर, हाँ भाई बोतल होल्डर कप होल्डर भी मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको हेलोजन वाला जो है रूफ लैंप मिल जाता है, तो बस यही जो चीज़ है वो कमी रह गई भाई इस गाड़ी में, अदरवाइज गाड़ी एक नंबर सही है। सबसे बड़ी चीज़ तो भाई मजबूती है इस गाड़ी के साथ। इंजन अपने को इसमें 2 तरह का ऑप्शन मिल जाता है, एक जो है टर्बो वाला, एक नन टर्बो, लेकिन ये वाला आप रेड एडिशन लोगे तो इसमें भाई टर्बो का कोई ऑप्शन है नहीं, आपको नॉर्मल जो आता है ना इनका 3 सिलेंडर 1 लीटर का वो लेना पड़ेगा। तो ये है यार इंजन, तो 72 PS का पावर और 96 Nm का टॉर्क डिलीवर करता है। यहाँ पर भी आपको पैडिंग वैडिंग मिल जाती है, और क्या, हाँ, और इसके फ्रंट में भी विंडशील्ड पर वॉशर जाती है, वो तो चीज़ हर गाड़ी में जाती है, लेकिन इस सेगमेंट में इसमें आपको पीछे साइड में भी यहाँ से पानी फेंकती है। तो भाई फीचर्स के मामले में यार कोई
कंप्लेन नहीं है, गाड़ी मस्त है, बस थोड़ी जो पता नहीं सेल्स क्यों नहीं होती है, निशान ब्रांड है, लोगों के माइंड में रहती है भाई कि कहीं ना कंपनी वाले यहाँ से टाटा बाय बाय कर दें अपने इंडियंस मार्केट को। बट अभी फ़िलहाल वैसा कोई मुझे नहीं लगता है प्लान है, बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है। तो चलो मिलते हैं जल्दी आपसे अगली वीडियो में, अगली वीडियो तक भाई ड्राइव सेफ बी सेफ।